चीटी और टिड्डा। गर्मियों के दिन चल रहे थे। एक मैदान में एक टिड्डा अपनी ही धुन में झूम झूम कर गाना गा रहा था। ला 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 ला। तभी वहां से एक चीटी गुजरी। चीटी मक्के के दाने उठाकर अपने घर लेकर जा रही थी। टिड्डे ने चीटी से कहा, चीटी रानी कहाँ जा रही हो? देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है और गाने बजाने में बड़ा मजा आ रहा है। तुम भी आओ, बैठो, हम मिलकर गाना गाएंगे और खूब मजे करेंगे। चीटी ने कहा, टिड्डे भाई, मैं सर्दियों के मौसम के लिए भोजन इकट्ठा कर रही हूँ। बहुत काम बाकी है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी यहाँ नहीं रुक सकती। टिड्डे ने कहा, अरे सर्दियों के मौसम की चिंता तुम अभी से क्यों कर रही हो? अभी तो सर्दी आने में बहुत समय बाकी है। चीटी ने कहा, नहीं नहीं टिड्डे भाई, मैं अभी तो नहीं रुक पाऊंगी। मैं अपना काम पूरा कर कर आऊंगी, फिर हम साथ मिलकर गाना बजाना करेंगे और तब खूब मजे आएंगे। ऐसा कहकर चीटी वहां से चली गई। ला ला ला, ला ला ला, ला ला ला, ला ला। जल्दी ही सर्दियों का मौसम आ गया। ठंड इतनी ज्यादा तेज पड़ रही थी कि घर से बाहर निकलना मुश्किल था। इस सर्दियों के मौसम में टिड्डे के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, जबकि चीटी अपने इकट्ठे किए अनाज को आराम से घर पर बैठकर खा रही थी। तब टिड्डे को एहसास हुआ कि कठिन दिनों के लिए उसे भी पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए थी। काश मैंने भी पहले से ही भोजन इकट्ठा कर लिया होता तो आज भूखा नहीं रहना पड़ता। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आज किए गए काम का फल आने वाले समय में जरूर मिलता है। इसलिए तो कहा गया है, कल करे सो आज करे सो अब। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसी ही और मॉरल स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।